आज हुडको के खिलाफ एक पीआईएल की सुनवाई में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोन्स लेते थे, जो लोन्स दे रहे थे हुडको प्राइवेट कंपनियों को, उस पर एक सीवीसी की इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, जिस इंक्वायरी में ये पाया गया था कि ये लोन्स जो हैं ऐसी ऐसी कंपनियों को दे दिए गए जो पहले डिफॉल्ट कर चुकी हैं, जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड लोन वापस करने का बहुत खराब था। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछना शुरू किया कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रही है, तो फिर मैंने ये बताया कि भाई ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ये प्रॉब्लम है। तब उन्होंने रिजर्व बैंक को इस पिटिशन में इम्प्लीट करने का आदेश दिया है और रिजर्व बैंक से बोला है कि जो जो कंपनियां 500 करोड़ से ज़्यादा लोन लेकर जिन्होंने वापस नहीं किए हैं, चाहे उनके लोन्स रिस्ट्रक्चर कर दिए गए हों, उनका पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, क्योंकि ये मांग बार बार सरकार से करी गई है और सरकार इसको, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं